किसान नेता राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को दो टूक, कहा कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में 20 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को लेकर विधायक नयनपाल रावत का बयान, बोले ये किसान महापंचायत नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र, ऐसी किसान महापंचायत से अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना लिखा, डरा नहीं नीडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता, किसानों के हुजूम की तस्वीर भी शेयर की। फरीदाबाद में जिला विकास एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से ली विकास कार्यों की जानकारी। विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा, राजेश नागर और नयनपाल रावत मौजूद रहे। खेल पॉलिसी में बदलाव के तहत सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म कर सकती है हरियाणा सरकार। खेल विभाग निर्देशक पंकज ने जानकारी दी, चीफ सेक्रेटरी को भेजा प्रपोजल। गुरुग्राम में लगातार सामने आ रहे बिल्डरों के धोखाधड़ी के मामले, गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी के निवासियों ने रहेजा बिल्डर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। करनाल में वकीलों ने किया वर्क सरपेंड, वकीलों ने उपायुक्त और एसपी को शिकायत दी थी कि जिन पुलिस अधिकारियों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज हो, कार्रवाई न होने पर वकीलों ने कदम उठाया। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में गलतफहमी के चलते दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले, दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच सरेआम पूरे रास्ते में मारपीट हुई। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराकर पलटी दिल्ली की तरफ जा रही तेज रफ्तार गाड़ी, घटना में ड्राइवर हुआ घायल। रादौर की पश्चिमी यमुना नहर में बरामद हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोहाना सिटी एरिया के होटल नगीना रोड पर एक वेल्डिंग की दुकान में चोरी हुई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महज कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत सब्जी मंडी में बरामद बरसात के चलते लाखों रुपए की सब्जियां खराब हुई, मांसाखोरों और आड़तियों ने पानी निकासी की समस्या का सवाल उठाया। चरखी दादरी के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी, ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से घरों में पानी आ रहा है। सोनीपत के मुरथल रोड पर सीवरेज लाइन बिछाने का काम दुकानदारों के लिए सिरदर्द बना, 2.5 साल बाद भी नहीं हुआ निर्माण कार्य पूरा, रोजगार चौपट होने से डर से दुकान शिफ्ट करने को मजबूर है दुकानदार। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन में एसएचओ ने उठाई अपराध के साथ सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी, एसएचओ अपनी टीम के साथ सड़कों पर गड्ढे भरते नजर आए। फतेहाबाद में बेलदार की पिटाई मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का प्रदर्शन किया, मामले में अब तक एसडीओ सहित 2 की हो चुकी है गिरफ्तारी। बढ़ती महंगाई को लेकर गृहिणियों ने बताया कि सब्जी मंडियों में हर व्यक्ति अलग अलग दाम पर सब्जियां बेच रहा है, रुपयों की कमी के चलते महंगाई पैदा कर रही है मुश्किल। प्रदेश भर में पुलिस ने शिक्षक दिवस पर विशेष पखवाड़ा बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी अलग अलग इलाकों में जाकर ट्रैफिक नियम, नशाखोरी सहित अन्य मुद्दों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नोएडा में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश में 120 पुलिसकर्मियों ने करीब 3 घंटे तक सर्च अभियान चलाया, ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत 22 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया।
अरावली में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अरावली वन क्षेत्र में 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 49,000 ज्यादा मामले सामने आए। 218 कोरोना मरीजों की गई जान। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 74 मरीजों की जान गई। केरल में अब भी 2,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। एक दिन में भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव केस 631। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरस फीवर के 105 नए मरीज सामने आए। अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में बिगड़ते हालात से लोगों में फैल रही दहशत।